हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम वापस आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए गाने के साथ। सो वेलकम टू द चैनल एंड या इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ओके, हम ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। सो या पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, अब लोग नहीं कर रहे हो। सो या गाने के बारे में बात करते हैं भाई। अलीम आर्केकार एक पुराना गाना है कोल्ड आवर्स करके, ठीक है। सो आप लोगों को तो पता ही होगा, गाने पे 10 मिलियन व्यूज़ है और गाने का कोई म्यूज़िक वीडियो भी नहीं है। भाई एक नए आर्टिस्ट के लिए इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो अलीम एक साल पहले ये चीज़ अगर प्रोड्यूस कर रहा था, सो आई हैव नथिंग टू से मोर। भाई मैं क्यों रिएक्ट करने बैठा, क्योंकि अलीम को उतने ज़्यादा रिएक्शन चैनल्स कवर नहीं कर रहे अभी के लिए, तो अभी या कुछ साल पहले तक नहीं कर रहे थे। सो अभी भी नहीं कर रहे उतने ज़्यादा। सो या भाई मैं सोचा कि करते हैं भाई, करते हैं, इसको भी मेन स्ट्रीम में तो लाना है ना। बहुत भाई को प्यार मिल रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी भाई मेन स्ट्रीम में नहीं है। सो हमारा जितना हो सकेगा हमसे वी विल ट्राई टू डू। ओके, सो ये वाला गाना मैंने करीब करीब एक हफ्ते पहले लास्ट टाइम सुना है। सो रिएक्शन जो आएगा पूरा नेचुरल आएगा, ऐसी बात नहीं है कि अभी सुन के उठाऊँ और फिर से रिएक्ट करने बैठ गया, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके चलो चलो भाई गाना सुनते हैं पहले और उसके बाद बात करते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा हो हमारे कंटेंट, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और लाइक करो वीडियो को। ओके चलो 3, 2, 1 लेट्स गेट टू इट। चलो 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 बारिश हो रही बाहर और मैं कमरे में अकेला, अंधेरा बड़ा जालिम मुझे सोने नहीं दे रहा। 2 घंटे से लिखने की मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, अपने घर के अंदर घर बना के बैठा हूँ मैं। मेरा लाजिम नहीं है मुझ पे के मैं सुनूं सबकी बातें, पर मैं सुन लेता हूँ क्योंकि थोड़ा नरम दिल जो ठहरा। जाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती, लेटे लेटे इस बिस्तर पे कब हो जाता है सवेरा मुझे नहीं पता है। मुझसे मत पूछो ना, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए सब खो दूंगा, पहले ही सब खो चुका हूँ अब क्या खाक को दूंगा। अकेलेपन में लगता है पूरी रात रो दूंगा, मैं तेरी याद में असलियत से भाग के जाऊंगा कहां मैं, मुझे बस बता दे आज ये जिंदगी तमाशा जो कमाता वो उड़ाता चंद बचाता, क्योंकि इधर काफी पेश होते हाथ से। अलीम के इधर गायब हो गए हो, ना खुद से करते मैसेज ना रिप्लाई देते हो, सोशली इनएक्टिव इंटरएक्टिव नहीं हो, जरा ऐसे नहीं थे पहले, जाना क्या से क्या हो गए हो। देखते देखते दुनिया की तुम वाइब हो गए हो, इजीली दो गाली देकर आ सकते तुम आगे, पर तुम आना नहीं चाहते, बड़े नाइस हो गए हो। हाँ जी बड़े नाइस हो गए हो, ठीक है। जान जब से मिले जिंदगी में कुछ ऐसे इंसान जिनकी वजह से बदलना पड़ा खुद को, मुझे पूरा पड़ा दिखने के चक्कर में वो जताते थे एहसान, वो भी बात बात पे, वो भी बात बात पे। एक वक्त था काफिले में लड़के 8-8 थे, अब 8-4 मैंने 4 कर दिया। yes. धोखेबाजों को सर्कल से मैंने बाहर कर दिया। लाइफ इज गुड व्हेन आई टॉक टू माय सेल्फ, डेली रात में सहन में सवाल, 36 घूमे तेरी याद में, गेनिंग ऑल दिस मनी एंड आई एम गेटिंग ऑल दिस फेम, मुझे डर लगा रहता है कहीं भूल ना जाऊं औकात में। ओह बॉय डीप भाई, डीप लाइन। मुझे फेम मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, सो मुझे डर लगता है मैं कि अपना औकात ना भूल जाऊं। ओके जाऊँ हाथ से फिर से एक और बार मैं, और नहीं है हिम्मत के अफसा हूँ एक और हार मैं, मसले ये जमीन पे सुलझ नहीं रहे मुझसे, और ये मैसेज करके कहते अली मार के तू स्टार, सबको मुझसे खार है, दुनिया बड़ी लानती, गोना बी ऑन टॉप मेरे विजन को नहीं जानती, चुप रहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कुछ दिखता नहीं है, खुद ही खुद को बना रहे हो। इफ यू थिंक आई कांट सी फील्स लाइक आई एम बॉर्न टू बी लोनली, रोज ये अंधेरा करे परवा मेरे जोन की, रोज ये अंधेरा मुझे देता है देशा जो तू डूबा इन गहराइयों में, तो आदत छुट्टी फोन की, एंड सोशल खुद से बात करूं रोज मैं, बंद करूं आंखें लगे कम रहूं होश में, कम करूं बातें रखे कम बंदे क्लोज, मैंने हंस के करी बात सिर्फ ये नहीं का तू दोस्त है, एंड रूड आई जस्ट कांट पिक अ साइड, दोनों तरफ इधर जलन दोनों तरफ, इधर लाइज दोनों तरफ, इधर ईगो दोनों तरफ से मैं नाइस दोनों तरफ, मैं नहीं देखूं मेरी आईज ऑन द प्राइज है, उम्र 20 बट आई स्वेयर ज़हन 30 का, पहले दिन से रियल भूखा नहीं था कभी रीच का, पहले दिन से फियर मुझे गिरने का रहा नहीं, cause I started from the bottom, I guess ऐसे ही बंदा सीखता, ऐसे बंदा सीखता, रोज़ के रोज़ जिंदगी
डन भाई साहब, जब भी सुनता हूँ ना भाई अलीम के गाने, तो इट गिव्स अ डिफरेंट वाइब, इट गिव्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू द वर्ल्ड भाई। मुझे पता नहीं कि ये मतलब सही साउंड कर रहा है या फिर सेंस बना रहा है कि नहीं, आई एम श्योर कि बना रहा होगा। ठीक है भाई, आप अगर देखो ये इस वाले गाने का जो थंबनेल आर्ट है वो भी एकदम बेसिक सा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है, उसके बाद भी इतना अगर रिकॉग्निशन मिला है ना इस वाले गाने को, तो इट्स जस्ट फॉर इट्स लाइक क्वालिटी भाई। जो डीप लिखा है ना, जो दुनिया के बारे में जो पर्सपेक्टिव दिया है, जो फील कर रहा था उस टाइम पे, एकदम जो ओरिजिनलिटी जो है ना वो भाई, इट गिव्स अ डिफरेंट वाइब। इसीलिए भाई इतना प्यार मिल रहा है, कोई जोक तो है नहीं ये। सो या भाई, पुराना गाना है, सब कुछ सब लोगों को पता ही होगा, गाना भी सब लोगों ने बिंज मतलब बिंज लिसन कर लिया होगा। सो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, लेकिन इट्स सो कूल मैन, इट्स सो कूल, आई लाइक दिस सॉन्ग वेरी मच। सो इसीलिए मैंने सोचा कि चैनल पे भी रहेगा और थोड़ा सा प्रमोट भी हो जाएगा। हालांकि इस वाले गाने को और प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलीम को ही नीड्स इट मैन, ही नीड्स इट एंड ही डिजर्व्स इट। अगर आपने अलीम के और गाने नहीं सुना हो, अगर आप पहली बार डिस्कवर कर रहे हो हमारी तरफ से, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। सो प्लीज़ जस्ट गो टू हिज चैनल एंड लिसन टू ऑल हिज सॉन्ग्स, यू विल डेफिनेटली लाइक इट मैन। यस, सो या गाइज, इस वाले वीडियो के लिए इतना ही बोलना था। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो चैनल को। यस भाई, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ और पीस आउट।